Welcome to Abhimanyu students. Myself Dr. Dharmendra, and today I am going to discuss a very important thing. इस सीरीज जो अभी मैंने एक नई हमने स्टार्ट की है अभी पीडीएफ की तरफ से कि एक एंड देयर रेलिवेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी के अंदर आ सकते हैं आपको. सो इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस द रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑन नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले हमें ये समझना. देखो, आप सभी ने पढ़ा हुआ है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. नो द टाइम टू जज कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. तो मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा बड़े, मतलब आपने देखने हैं. क्वेश्चन आएगा स्लाइड के ऊपर, उसके बाद आपने स्टॉप करके उसका देखना कि आंसर क्या आएगा, देन उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा. तो आपको जज हो जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका यूपीएससी के परस्पेक्टिव से प्रिपेयर है या नहीं. तो इसमें जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन, राइट? ओके. तो उसके बाद आप कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने गलत हुए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है that how National Biodiversity Authority the Indian Agriculture, right? Now first option देखो, NBA, National Biodiversity Authority checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. Second option is NBA directly monitor and supervise the scientific research on genetic modification of crop plants. Third statement, application for IPR related to genetic and biological resources cannot be made without approval of NBA. Okay, तो इसका आपने आई थिंक अभी तक आंसर निकाले होगा, स्टॉप कर सकते हो. नो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, तो इसका आंसर देखते हैं. नो NBA checks biopiracy. नो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. देखो NBA जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू 3 बॉडीज बनी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल. एम क्या था कि जितने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके उनके लिए हमने ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी बनाई है, राइट? नाउ द थिंग इज कि कोई भी आईपीआर जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई भी कंपनी अप्लाई करती है, तो उस केस के अंदर दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनबीए. अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी भाई ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स. नाउ दिस इज इनकरेक्ट. तो बेसिकली जो मेनली डील करता है क्रॉप प्लांट से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए, दैट इज जीईएसी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, एंड सेक्रेटरी इज चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीईएसी. तो वो उससे है. अब देखो इसके अंदर यूपीएससी ने, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का, तो उन्होंने डायरेक्टली मॉनिटर वर्ड डाला हुआ एक, तो दैट इज रॉन्ग. अगर बोलते कि इट कैन मॉनिटर, यस दैट विल बी करेक्ट. इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो मॉनिटर करती है क्योंकि इतना स्कोप होता है, बट उसने वर्ड डाला है डायरेक्टली ताकि बिल्कुल स्टेटमेंट को अलग ही कर दे, दैट इज डिफरेंस, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड थर्ड देखो, एप्लीकेशन फॉर आईपीआर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिलेटेड टू जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए. सो सेकंड वन इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी 1 and 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू गिव effect to UNFCCC. Second is it directed for establishment of statutory bodies at central, state and local level. Third statement is environment minister is chairman of NBA. Right. Now the thing is कि आप इसको सॉल्व करो. तो first statement देखते हैं wrong. क्यों? UNFCCC is related to climate change. But ये हमारी biodiversity है. So this was formed to give effect to CBD, Convention on Biodiversity, not UNFCCC. तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है. नो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट डायरेक्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज. स्टैट्यूटरी बॉडीज है, एक्ट के थ्रू 3 बॉडीज बनी एट सेंट्रल लेवल, NBA, देन SBB स्टेट के लेवल पे, एंड BMC एट लोकल लेवल. तो तीनों एक्ट के थ्रू बनी है, ऑल 3 आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. देन एनवायरमेंट मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ NBA. नो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, eminent person can be a chairperson of NBA and similarly at state level as well. तो सेंटर वाला जो सेंटर के लेवल पे बनेगा NBA, उसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सिमिलरली एट स्टेट लेवल वो स्टेट अपॉइंट करेगी, राइट? ओके, सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर विल बी ए, 2 ओनली. ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कैन रेगुलेट कमर्शियल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज फॉर लोकल यूज.
ठीक है, जो स्टेट के लेवल के ऊपर बॉडी बनी है। सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज। अगेन देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है। अब इनकी पावर एंड फंक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर, तो यू हैव टू टेक वेरी केयर, राइट। आपको एटलीस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर कंसेप्ट। फर्स्ट इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कैन रेगुलेट कमर्शियल यूज। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है दैट वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज के प्रोटेक्शन ऑफ लोकल यूज ऑफ बायो रिसोर्स। जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रही है उसको प्रोटेक्ट करना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कैन रेगुलेट, राइट, कैन रेगुलेट कमर्शियल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज फॉर लोकल यूज। तो अब देखो कमर्शियल यूज को ये रेगुलेट कर सकता है ना, सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो एक्सेप्शन है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी कैन यूज कमर्शियल, है ना, कमर्शियल रेगुलेट है जो लोकल कम्युनिटी है ना, लोकल यूज के लिए हम बायो रिसोर्सेज जो लोकल कम्युनिटी डिपेंड है उसको नहीं करेगा, अदरवाइज जब उसको करेगा इट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड थिंग इज वेद हकीम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसको भी कमर्शियल यूज के लिए आप नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई, यस इट इज करेक्ट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज। सो सेकंड वन इज करेक्ट, सो आंसर विल बी टू ओनली। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। जो लोकल लेवल के ऊपर तीसरी बॉडी बनी है दैट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इट इज अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, स्टेटमेंट नंबर वन। सेकंड इज इट इज मैंडेटरी फॉर बीएमसी टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। थर्ड इज इट मैनेज लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। याद रखना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के लिए कौन सा बना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए। सिमिलरली एट स्टेट के लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उसके लिए क्या बनाया हमने, स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड। सिमिलरली एट लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, फॉर दैट लोकल फंड। तो ये तीन फंड बने, ठीक है। नाउ द थिंग इज के क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इट इज अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये उसी के तो अंदर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सेकंड इट इज मैंडेटरी, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो लोकल लेवल के अंदर बीएमसी उसको ये बोला गया कि तूने लोगों के साथ कंसल्ट करके यू हैव टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कि बायोडाइवर्सिटी हमारी लोकल लेवल के ऊपर क्या है उसका पूरा एक प्रिपेयर करना है। क्यों? ताकि उसके बेस के ऊपर एनबीए आईपीआर के अप्रूवल दे सके, है ना। अगर एनपीआर के ऊपर पास लोकल नॉलेज होगी कि कौन कौन से लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमारी अपनी है, तो आईपीआर उस कंपनी क्यों देगी, है ना, वो तो ट्रेडिशनल नॉलेज है। फॉर दैट ये सारा सिस्टम सेटअप किया है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर बहुत सारी स्टेट्स ने ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया नहीं है, ठीक है। ओके, मैंडेटरी था, सो इट मीन्स के फुली हमने उसको अप्लाई भी नहीं किया, राइट। देन इट मैनेज लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, राइट, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, याद रखना सेंट्रल लेवल के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी फंड था उसको कौन रेगुलेट करता है, वही करते हैं एनबीए, स्टेट वाला स्टेट, लेकिन बीएमसी खुद मैनेज करता है, बट उसके अंदर फंड जो मेनली है दैट केम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट देगी बीएमसी के अंदर फंड, तो इसीलिए वो बनाती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर बनाएंगे तो पैसा मांगेगी और पैसा हमारे पास है लेकिन खुद के लिए, ठीक है। नो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेकंड इज एनबीए हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। थर्ड, पर्सन कैन डायरेक्टली अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनबीए, ठीक है। तो ये सारा इसका क्वेश्चन है, याद रखना, तो इसको पहले सॉल्व करो, आप टाइम लेके स्टॉप कर लो वीडियो, उसके बाद आप सॉल्व करो, आई होप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फिर हम देखते हैं अभी कि क्या इसका आंसर आएगा। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनबीए अथॉरिटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। देखो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड
सेकेंड वन इज एनबीए, थर्ड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन ऐसे हैं। अगर मान लो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और एनबीए के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उसको कौन सॉल्व करेगा? सेंटर। अगर सेंटर और एनबीए के अंदर एसबीबीबी के अंदर डिस्प्यूट हुआ तो उसको कौन सॉल्व करेगा? एनबीए। ठीक है, मतलब तीन है, दो के अंदर डिस्प्यूट है, तीसरा सॉल्व कर देगा। ठीक है, मान लो थिंक इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी मान लो सेंटर और एसबीबी के अंदर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, उस केस के अंदर एनबीए केस सॉल्व करेगी। अब वो नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगी, ऐसा नहीं कि दूसरा है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ केसेस। तो नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल है उसका, उसको फॉलो करेगी। नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज एनबीए हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इट कैन फाइन, है ना भाई, फाइन कर सकती है। तो इट इज अ, वी कैन से सिविल कोर्ट की इसके पास पावर है, राइट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज एन एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली अपील। ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के अंदर अपील करेगा। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आंसर विल बी वन एंड टू ओनली। ठीक है, तो आई होप कि आपने खुद अपने आप को, देखो अपने आप को पता तो चले कि कितना मुझे ये, इस जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना दिए आपके पास। ठीक है, आई होप कि अगर इस यूपीएससी के अंदर एनबीए के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपने जज करना है खुद को कि पांच में से मेरे कितने सही हुए हैं। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा हमारी औकात कितनी है ना, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट नहीं है। हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, पता ही नहीं है, हम सेटिस्फाई हैं कि प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करो हमारा चैनल, और भी कमेंट वगैरह आप डाल सकते हो कि और सजेशन देने हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।